हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सॉल्ट ऑफ लाइफ। और आज होली स्पेशल में लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही यमी टेस्टी एंड यूनिक आलू चाट। इसमें ना कोई टिक्की वगैरह बनाने की फ्राई करने की ज़रूरत है, बहुत झटपट से बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी ये आलू चाट बनेगी। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आलू चाट बनाने के लिए देखिए मैंने लिए हैं ये बेबी पोटैटोज़, और इन बेबी पोटैटोज़ को मैंने कुकर में सिर्फ 2 सीटी लेके बॉईल किया है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हुए होंगे तो आप 1 या 2 सीटी और ले सकते हैं। बॉईल करने के बाद देखिए इन्हें मैंने इसकी स्किन भी रिमूव नहीं की है और इस तरीके से दोनों हाथ के बीच में इन्हें हल्के से दबा कर प्रेस कर लिया है। तो हमें जितनी चाट बनानी है उतने हम आलू इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब देखिए मैंने एक बोल में लिया है 1 टेबल स्पून मैदा और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें कॉर्न स्टार्च, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो हमारे दबे हुए पोटैटोज़ हैं अब इनमें अच्छे से हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेते हैं। इसमें और डालेंगे बिल्कुल हल्का सा नमक और अच्छे से देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। एक तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, बिल्कुल गर्म हो गया है। तो इन सारे हमारे जो है बेबी पोटैटोज़ है जिन्हें हम प्रेस करके रखे हैं इन्हें अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से तल के मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है और अब इन्हें की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक प्लेट में हमारे जो तले हुए आलू हैं उन्हें सजाया, ऊपर से ढेर सारा अच्छे से बिल्कुल मीठा दही, दही बिल्कुल अच्छा फ्रेश होना चाहिए, और इसमें अच्छे से बीट करा और हल्का सा शुगर डाला है ताकि दही में टेस्ट आए। फिर उस पर डाल दिया अच्छे से मैंने इमली की चटनी, घर में ही बनी हुई थी खट्टी मीठी इमली की चटनी, और बिल्कुल स्पाइसी धनिया की चटनी डाल दिया उस पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, मसालों में डाला थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डाला उसमें, थोड़ा सा डाला प्याज, थोड़ी सी बारीक सेव, थोड़ा सा डाला इसमें अनार के दाने, और ये ऑप्शनल है पर इससे भी जो चाट का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, ये है फ्राइड बूंदी। अगर आपके पास बूंदी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल चटपटा आलू चाट बिल्कुल क्रिस्पी रेडी है। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होली में आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड मेम्बर्स सबको खिलाइएगा, ये सब बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोस आप तुरंत वॉच कर सकें। थैंक यू।